आप अपना चैनल पेंथ 11 एस पी डी में हम बात करने वाले हैं अमेरिकन बास्केटबॉल के रिगार्डिंग बात करेंगे। मिडनाइट में जो मैच होगा यहाँ पे बोस्टन सेल्टिक्स वर्सेस आपको फिलिपीडिया के साथ ये मैच होगा। गाइस ये प्लेऑफ की मैच है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले दोनों टीम की जो स्टार्टिंग 5 प्लेयर्स है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो फिलिपीडिया की तरफ से सभी प्लेयर अवेलेबल है यहाँ पे जो स्टार्ट करने आएंगे। पॉइंट गार्ड सिक्सर्स से हार्डिंस रहने वाले हैं, शूटिंग गार्ड से मैक्सी स्टार्ट करेंगे, स्मॉल फॉर्ड से तावी सरी स्टार्ट करते हुए दिख जाएंगे, पावर फॉर्ड से गाइस यहाँ पे पीजे टकर रहने वाले हैं और सेंटर से जे एम्बिल्ड जो आपको स्टार्ट करते हुए दिख जाएंगे। बोस्टन सेल्टिक्स की तरफ से गाइस बात कर लेते हैं, मार्कस स्मार्ट रहने वाले पॉइंट गार्ड सेक्शन से, शूटिंग गार्ड से गाइस यहाँ पे जे ब्राउन दिख जाएंगे और गाइज स्मॉल फॉर्ड से यहाँ पे जेट एटम, पावर फॉर्ड से हॉरफॉर्ड स्टार्ट करेंगे, सेंटर से गाइज आर विलियम्स से स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे आज के मैच में और गाइज यहाँ पे गिलेनरी आज के मैच में आउट नजर आएंगे। अब गाइज बात करते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी प्ले ऑफ की उसकी हम बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट गाइज वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एस एल टीम आएगी गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो गाइज ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मिलती है गाइज आपको ऑलमोस्ट सभी बास्केटबॉल की आपको यहाँ पर टीम प्रोवाइड कर दी जाते हैं, बिल्कुल फ्री टीम होती है गाइज। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिलेंगे, जहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो गाइज, यहां पे आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब गाइज बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों टीम की, जैसे यहाँ पे बोस्टन सेल्टिक्स की टीम लास्ट मैच यहाँ पे विन करके आ रही है और इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आते हैं टैटम का परफॉर्म ठीक ठाक रहा था, 43 मिनट प्ले किए थे, 19 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे, 9 रिबाउंड 6 असिस्ट 2 ब्लॉक 2 इनके स्टिल थे, मार्कस स्मार्ट अटैकिंग प्ले किए लास्ट मैच, इन्होंने 42 मिनट्स प्ले किया था, 22 पॉइंटर कनेक्ट हुए थे, 7 रिबाउंड 7 असिस्ट 2 इनके स्टिल थे। हॉरफॉर्ड की हम बात करते हैं सेंटर से प्ले करते हैं 39 मिनट्स प्ले करते हैं, 2 पॉइंटर 11 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक 1 इनके स्टील थे। जे ब्राउन की बात करते हैं 39 मिनट्स प्ले करते हैं, 17 पॉइंटर 6 रिबाउंड 4 इनके असिस्ट थे और गाइस यहां पे हम बात कर लेते हैं आर विलियम्स की जो 28 मिनट प्ले करते हुए नजर आए थे, 10 पॉइंटर 9 रिबाउंड 1 असिस्ट 2 इनके ब्लॉक थे। बेंच से प्ले करने आया था गाइस यहां पे ब्रॉकडाउन जो 30 मिनट्स प्ले किए थे, 16 पॉइंटर 2 रिबाउंड 6 असिस्ट 1 इनके स्टील थे। डी वाइट की हम बात करते हैं 19 मिनट प्ले किए थे, 9 पॉइंटर 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 ब्लॉक 1 इनके स्टील थे। ग्रिफिन को लास्ट में चांस नहीं मिला था। सेकंड टीम की गाइज हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जो फिलिपीडिया की टीम लास्ट मैच यहाँ पे लॉस करके आ रही है, जेम्स हार्डन जो स्टार्ट किए थे 43 मिनट्स प्ले किए थे, 13 पॉइंटर 7 रिबाउंड 9 असिस्ट 1 ब्लॉक 3 इनके स्टील थे। तावी सरीस 42 मिनट्स प्ले किए थे, 2 पॉइंटर 6 रिबाउंड 3 असिस्ट 2 ब्लॉक और 2 इनके स्टील थे। जे एम्बिल्ड की हम बात करते हैं 41 मिनट्स प्ले किए थे, 26 पॉइंटर 10 रिबाउंड इनके थे, 1 असिस्ट 3 ब्लॉक 1 इनके स्टील थे। टीम एक्सी 40 मिनट प्ले करते हुए नजर आए थे, 26 पॉइंटर 5 रिबाउंड 3 असिस्ट 3 इनके स्टील थे। पी टकर की हम बात करते हैं 20 मिनट प्ले किए, डिफेंसिंग प्ले करते हुए नजर आए थे, 8 पॉइंटर 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 3 इनके स्टील थे। बेंच से प्ले करने आए थे यहाँ पे मेल्टन जिन्होंने 23 मिनट्स प्ले किए थे, 5 रिबाउंड इन्होंने रिसीव किया था, 1 असिस्ट 1 ब्लॉक 1 इनके स्टील थे। निंग की हम बात करते हैं 15 मिनट प्ले किए थे, 6 पॉइंटर कनेक्ट हुआ था और डी हाउस को 7 मिनट चांस मिला था, 3 पॉइंटर 2 इनके रिबाउंड थे। अब गाइज बात करते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को पिक करेंगे, पॉइंट गार्ड सेक्शन से जेम्स हार्डन जो स्टार्ट करेंगे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, पीपी के लिए भी अपने टीम में इनको मस्ट पिक कर लेना है एसएल और जेल्स में जो आपको अटैकिंग प्ले करेंगे। डी वाइट की हम बात करते हैं ये गाइज आपको स्टार्ट करेंगे, बट गाइज 12 क्रेडिट में अवेलेबल है तो आप यहाँ पे ब्रॉकडाउन के साथ जा सकते हो जो आपको 10 क्रेडिट में अवेलेबल दिख जाएंगे, अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। और शॉटिंग गार्ड से हम बात कर लेते हैं, टीम मैक्सी रहने वाले काफ़ी अटैकिंग प्ले कर रहे हैं, अभी सभी मैचेज में इनका परफॉर्म बहुत बेहतरीन रहा। मार्कस स्मार्ट भी आपको 13 क्रेडिट में अवेलेबल दिख जाएंगे। अगर गाइज आपको टीम मैक्सी अगर आपके टीम में सेट नहीं बैठता तो आप मार्कस स्मार्ट के साथ जा सकते हो, डी मेल्टन को अपने टीम में गाइज ट्राई कर लेना, अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। और स्मॉल फॉर्ड से हम बात कर लेते हैं जे ब्राउन जो आपको स्टार्ट करते हुए दिख जाएंगे, बट ये 16 क्रेडिट में अवेलेबल है, ये भी काफ़ी अटैकिंग प्ले करते हैं, तो गाइस आप अल्टरनेट करके ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी अटैकिंग प्ले करते हैं। तावी सरीस लास्ट मैच इनका कोई खास नहीं रहा था बट अच्छे प्लेयर से अपनी टीम में इनको ट्राई करके जा सकते हो। जी विलियम्स आपको बेंच से प्ले करेंगे, काफ़ी अटैकिंग प्ले करते हैं, डी हाउस को भी टाइम मिला था, आप इनको भी लेकर के जा सकते हो। पावर फॉर्ड से हम बात कर लेते हैं, जेट एटम पीपी और एसपी के लिए अच्छे चॉइस बन सकते हैं, अपनी टीम में ट्राई कर लेना। पीजे टकर स्टार्ट करेंगे, 9 क्रेडिट में अवेलेबल है और अगर क्रेडिट इशू होती है तो जी निंग को पिक करके जा सकते हैं जो आपको ठीक ठाक ऑप्शन ये भी बनने वाले। सेंटर से हम बात कर लेते हैं, जेम बिल्ड रहने वाले जो आपको एसपी और पीपी के लिए सेफ चॉइस होने वाले। हॉरफॉर्ड की हम बात कर लेते हैं, 9.5 क्रेडिट में ठीक ठाक ऑप्शन ये भी होंगे और आर विलियम्स भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, तो अपने टीम में इनको ट्राई कर लेना। अब गाइज हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेट टीम प्रीव्यू की, उससे पहले गाइज फाइनल एसएल टीम आएगी गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे गाइज आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और गाइज आपने आप अगर टेलीग्राम चैनल में जाते हो तो सर्च कर लेना @Panther11ABC और गाइज ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम मिल जाएंगे, इसलिए मिस मत कीजिएगा। और गाइज आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन
सेक्शन आप तक का पहुंच सकेगा। और गाइस यहां पे सभी बास्केटबॉल के आपको टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आपने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, जहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे सेट टीम प्रीव्यू की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेट टीम प्रीव्यू में मैंने गाइस यहाँ पे जेम्स हार्डन को लिया हुआ है, जो आपके लिए एसपी और पीपी के लच्चे चॉइस बन सकते हैं। जीएल प्ले करते हैं अल्टरनेट जरूर ट्राई कीजिए। डी बेल्टन की हम बात करते हैं, शूटिंग गार्ड से प्ले करते हुए नजर आएंगे, बट गाइस बेन से प्ले करेंगे, टीम एक्सेस स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे, काफ़ी अटैकिंग प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे आप विलियम्स को ले सकते हैं, जो आपको बेन से प्ले करेंगे। निंग की हम बात करते हैं, निंग को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। और यहाँ पर टैटम आपके लिए पीपी के लिए सेफ चॉइस बन सकते हैं। हॉटफॉर्ड की बात करते हैं, स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। और गाइस यहाँ पर जेम बिल्ड, जो आपको ये भी स्टार्ट करेंगे, एसपी के लिए सेफ चॉइस हो सकते हो। वैसे गाइस ये हमारी सेट टीम प्रीव्यू है, सेट करके रखना। फाइनल टीम के लिए गाइस मैंने लिंक दे दी है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो, जहां पे आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और गाइस आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने दिया हुआ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट विद पैंथर 11।